तो डियर फ्रेंड्स, मैं आज फिर आप लोगों को पढ़ाने के लिए आ गया। और इसके पहले वाले वीडियो में एक शॉर्ट वीडियो में डाला था, जिसमें मैं बताया था कि कैसे सैलरी स्ट्रक्चर है, किस ढंग का आपका अगर कंस्ट्रक्शन के लिए आप अपना करियर सेलेक्ट करते हैं, तो इस तरह का छोटा 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 टिप्स आप लोगों को देते रहेंगे, पढ़ाई भी होते रहेगा। तो पढ़ाई पिछले बार जो हमने किया था, आपको याद होगा, हम लोग भर गए थे बेसिक में। बेसिक में हम लोग क्या, बेसिक में हमारा जो टॉपिक था प्लानिंग का था, और इस प्लानिंग में हम लोग देख रहे थे इसको। एक वीडियो ऑलरेडी इस पर डाला जा चुका है, दूसरा वीडियो है। तो एक समरी में मैं आपको बताऊं कि पिछले बार मैं पढ़ा कि स्कोप में आपको अपना काम का क्वांटिटी निकालना है। जैसे मैं बताया था कि आपको एक्सकेवेशन का क्वांटिटी निकालना पड़ेगा, पीसीसी, आरसीसी, हाँ, रिइंफोर्समेंट, शटरिंग, ये सब चीज़ का क्वांटिटी आपको निकालना पड़ेगा। 8 या 9 आइटम जो कॉमन है उसके बारे में बताया था। फिर इस क्वांटिटी को करना क्या है, अभी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो लेवल है वो लेवल है 5 to 10 ईयर्स का। ये लेवल है आपका। इसमें यह है कि जब आप इस 10 ईयर्स के लेवल के पास पहुंचते हैं, मीन्स 8 to 10 ऐसा कुछ रहता है, तो बहुत सारा चीज़ आप समझने लगेंगे। ये क्या मिड लेवल है, ये मिड लेवल पोजीशन है। तो आप सपोज करो कि आपके पास क्वांटिटी आ गया, क्वांटिटी निकल गया। एक चीज़ और है, अभी आपने स्टूडेंट लाइफ में कोड पढ़ा होगा, IAS कोड, IAS 456 और 800, दोनों कोड बुक भी आपके पास होगा। इसको आप पढ़ते रहिए, इसको रिपीट करते रहिए, देखते रहिए इम्पोर्टेंट चीज़ को। इसका ज़रूरत पड़ेगा हमारे चर्चा में। तो आपने जो क्वांटिटी निकाल लिया, ठीक है, क्वांटिटी निकाल लिया, सपोज़ कीजिए कि एक्सकैवेशन का क्वांटिटी आपके पास, क्वांटिटी कैसे निकालना है, ये जो स्कोप है, स्कोप को यूज़ कैसे करना है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको बताएंगे कि क्वांटिटी निकालना कैसे है, और वो स्टार्ट होगा जो स्कोप के बदले, वो स्टार्ट होगा एस्टिमेशन। तो उसमें आपको क्वांटिटी निकालने के लिए बोला जाएगा, बताया जाएगा। तब तक हम लोग चर्चा ये करेंगे कि आप जो स्कोप निकाल रहे हैं उसका करना क्या है। एक चीज़ और ध्यान रखने वाला बात है, मैं आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, 5 साल तक आपने फाउंडेशन वाला जो मैं बताया था वो सब चीज़ कर लिया, अब 5 साल से ऊपर आपका ट्रांजिशन हो रहा है, मिड लेवल में है आप। तो सपोज कीजिए कि आप एक्सकेवेशन कैलकुलेट किया 250 क्यूबिक मीटर, पीसीसी कैलकुलेट किया 10 क्यूबिक मीटर, और आरसीसी डिफरेंट लेवल में, आरसीसी का बहुत सारा लेवल होगा, जैसे फाउंडेशन का होगा, आपका कॉलम आएगा, बीम आएगा। तो सपोज करो कि सभी लेवल में आप अपना साइड का निकाल के दिया कि 200 क्यूबिक मीटर, 200 क्यूबिक मीटर है, शटरिंग निकाल के दिया कि शटरिंग कितना है, सपोज करो शटरिंग निकाल रहा आप 300 क्या स्क्वायर मीटर, ये आपने निकाल के दिया। रिइंफोर्समेंट, रिइंफोर्समेंट कितना है? तो सपोज करो कि ये 2 मेट्रिक टन निकाल कर दिए, ये निकला हुआ है, आपने क्वांटिटी निकाला। अब इसको करना क्या है, और सपोज करो कि जैसे मैं पहले बताया था कि आपके पास ऑलरेडी शेड्यूल आया होगा प्लानिंग से, फिर आप अपना शेड्यूल बनाया होगा सेल्फ,
कि क्या करना है क्या नहीं, ये 0 से 5 ईयर एक्सपीरियंस में मैंने बताया था, और अभी इसमें आपको मास्टरी होना चाहिए। जो आपका इंचार्ज बोलता है कि ये पूरा काम इतना महीने में ख़त्म होना है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये 10 महीना का काम सपोज है, तो आपको पर मंथ कितना काम करना है। तो ये अभी तक आ जाएगा, ख़ास करके जब आपका एक्सपीरियंस 10 ईयर्स के आसपास रहेगा, मतलब 8, 9 या 10 साल के आसपास रहेगा, तो आपको आना चाहिए। नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ये धीरे धीरे आपको आ जाएगा। 5-6 में नहीं आएगा उतना डीपली, लेकिन 8, 9, 10 साल में आपको ये चीज़ आ जाएगा कि आपका जो प्लानिंग है, प्लानिंग डिपार्टमेंट का शेड्यूल, उससे आपको अपना शेड्यूल बनाना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे जाकर एडवांस लेवल में हम लोग देखेंगे WBS करके आता है, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इसके बारे में आपको बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो आप सपोज करो कि ये क्वांटिटी जो निकाला है, ये आपको, ये आपके लिए जो है सो 1 मंथ टारगेट है, 1 महीना में आपको ये काम करना है। अब यहाँ से 2 चीज़ है, आपका 2 ड्यूटी हो जाता है। एक क्या है कि इस क्वांटिटी को लेकर अब जिस लेवल में आप हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपके ऊपर आपका प्रोजेक्ट इंचार्ज ही रहेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट इंचार्ज। इस क्वांटिटी को लेके अपने इंचार्ज से डिस्कस करेंगे, ठीक है, और इसी क्वांटिटी को जो है सो आपके अंडर में जो स्टाफ है, इंजीनियर है जो 5 साल का एक्सपीरियंस है आसपास का, प्लस सुपरवाइजर है, ये क्वांटिटी उसको भी देना है। आप अपना टारगेट फिक्स कर लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कस करेंगे और अपने अंडर में जो इंजीनियर है उसके साथ डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे, देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपका सक्सेस स्टोरी शुरू होगा। यहाँ पर थोड़ा भी आप कमज़ोर पड़ गए मेंटली या फिजिकली, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आप अपने प्रोजेक्ट मैनेजर से क्या डिस्कस करेंगे इसके बारे में, प्रोजेक्ट मैनेजर से डिस्कस करेंगे, सबसे पहला डिस्कस करेंगे लेबर के बारे में। लेबर में क्या क्या, फिटर और हेल्पर, फिटर सरिया बनता है, कारपेंटर और उसका हेल्पर, ये 2 प्राइमरी आपको ये लगेगा। इसके अलावा भी बहुत सारा चीज़ लग सकता है एडिशनल लेबर, लेकिन जनरली क्या होता है कि जितना भी वर्क आता है सब मेजरमेंट में रहता है। मीन्स मेजरमेंट में काम का मतलब क्या है कि क्लाइंट आपका हर चीज़ का रेट दिए हुए, एक्सकैवेशन करोगे तो 1 क्यूबिक मीटर का पर क्यूबिक मीटर इतना चार्ज होगा। तो जो जब आइटम रेट, उसको आइटम रेट बोलते हैं, तो जब आइटम रेट में आपका काम है, तो अपना जो लेबर पेटी कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह आता है उसको भी आपको आइटम रेट से ही बोलना पड़ेगा कि एक्सकैवेशन करोगे इतना मिलेगा, PCC करोगे इतना मिलेगा, RCC करोगे इतना, शटरिंग इतना, सब बताना पड़ेगा। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर से और क्या डिस्कस करेंगे, इक्विपमेंट के बारे में। अब आपका सपोज करो कि एक्सकैवेशन करना है और आप सोच रहे हो कि इसको एक ही दिन में करना है, एक दिन में 8-9 बजे से काम स्टार्ट करके इसको शाम तक ख़त्म कर देना है, इसको अगले दिन ड्रेसिंग करा के PCC कराएंगे। तो एक जनरली जो एक पुकलेन होता है, एक पुकलेन जो होता है, पुकलेन के बारे में बोल रहे हैं, एक पुकलेन ये 250 क्यूबिक मीटर आराम से इसका वेट करता है। डंप कहाँ पर करना है क्लाइंट आपको बताएगा, जो मिट्टी निकलेगा वापस उस गड्ढा में भी भरना है, और जो बचेगा उसको कहाँ डंप करना है तो क्लाइंट बताएगा। डंपिंग एरिया का भी रेट में फिक्स रहता है, जनरली जहाँ से एक्सकैवेशन होता है वहाँ से 1.5 किलोमीटर के आसपास रहता है। तो एक दिन में खुद जाए
इसीलिए आपको पोकलेन का भी नंबर देखना पड़ेगा, एक से हो पाएगा कि नहीं। अब पोकलेन के साथ जो सॉयल शिफ्ट होता है उसके लिए डंपर यूज होता है, डंपर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि डंपर मिट्टी लेकर चला जाए और पोकलेन जो है तो खड़ा रह जाए, तो फिर आपका वर्क लॉस हो जाएगा। तो ये सब चीज़ आपको अपने प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ डिस्कस करना है। अगर आप खुद एफिशिएंट है, आपको मालूम है आपके हाथ में लेबर है, तो ये दो चीज़ कर सकता है। लेकिन ये जो है ना, ये कॉस्टली चीज़ होता है। ये प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ ही डिस्कस करके करने में फ़ायदा है, क्योंकि अगर कंपनी इक्विपमेंट हायर करती है तो उसको मंथली या आवर्ली चार्ज देना पड़ता है, उसको कंटिन्यू काम मिलना चाहिए। आपको कोई भी जो है सो एक दिन दो दिन के लिए रेयरली देगा, सभी जो है सो महीना पर लेता है और बात करता है कि कितना दिन तक आप इक्विपमेंट हमको रखेंगे, एक साल छः महीना तब आपको मिलेगा, तो मिलेगा नहीं। सेम चीज़ सब वही आइटम है जो PCC करेंगे उसके लिए आपके पास क्या इक्विपमेंट है, बैचिंग प्लांट है, एजेक्स मशीन है, जो कंक्रीट होता है उसको कैसे करते हैं। कंक्रीट करने का बहुत सारा सिस्टम है, डिपेंड करता है क्लाइंट का क्या रिक्वायरमेंट है, रेट क्या है। एक तो बैचिंग प्लांट होता है, आपको मालूम होगा, एक होता है वे बैचर होता है। वे बैचर मतलब छोटा सा मिक्सर मशीन रहता है, उसमें वजन करने का, वेट करने का भी रहता है। दूसरा होता है कि PCC वगैरह के लिए जनरली जो नॉर्मल मिक्सर होता है उसको भी लाव कर देता है। एक होता है एजेक्स फ्यूरी होता है, एजेक्स होता है, सेल्फ लोडिंग होता है, ये अपने से एग्रीगेट वगैरह उठाता है, डालता है, उसमें स्लिप भी निकलता है, कितना डाला है, कितना कितना क्यूबिक मीटर का क्वांटिटी आ रहा है, उसमें सब स्लिप निकलता है। तो ये सिस्टम सब आपको डेवलप करना पड़ेगा प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मिलकर, ताकि आपका एक वन मंथ टारगेट पूरा हो जाए। तो फिर आपके अंडर में जो लड़का है उसको क्या बोलेंगे, अंडर में जो इंजीनियर है, अंदर में इंजीनियर, सुपरवाइजर और फोरमैन, इसको क्या बोलने का। ये जो टारगेट आपने सेट किया है इसको लिख कर इसको देने का है, और डेली डेली मॉनिटर करना है। जैसे एक्सकैवेशन का काम तो हो गया, मशीन खुद के चला गया, उसके बाद ये काम कंटिन्यूटी में रहेगा। ये सब काम जो कंटिन्यूटी में है तो डेली अपने जूनियर को, आपको जो स्टाफ है नीचे उसको टारगेट देना पड़ेगा कि आज तुमको इतना काम करना ही करना है। सवेरे मॉर्निंग में आप लेबर वगैरह लगा कर उसको टारगेट देंगे, और लंच के आसपास और इवनिंग में देखेंगे कहाँ तक पहुँचा है। अगर पीछे चल रहे हैं तो अगला दिन और उस टारगेट को बढ़ाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि PCC मान लीजिए 3 दिन में करना है, 3 दिन हो गया, 7 क्यूबिक मीटर ही हुआ, 3 क्यूबिक मीटर तो आपका ये हो गया, पीछे हो गया। तो 3 क्यूबिक मीटर पीछे अगर PCC हुआ है तो सभी चीज़ आपका पीछे चला जाएगा। इसीलिए 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रुक के अगर डेली रुकते हैं साइट पर, नाइट का टीम आपको लगाना पड़ेगा, इस टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। देखिए जिस समय एक्सकैवेशन आपका शुरू हुआ है, आपका रिइंफोर्समेंट का कटिंग बेंडिंग, शटरिंग बोर्ड मेकिंग, ये सब चीज़ चलता रहेगा। ऐसा नहीं कि PCC करके उसके बाद बैठ जाए कि अभी रिइंफोर्समेंट नहीं बना है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इस ढंग से इस क्वांटिटी को, इस स्कोप को ऑपरेट करना है। अब क्या है, एक और भी बहुत ज़रूरी चीज़ है इसके साथ, जो आपका लेबर कितने तरह, अभी मैं बताया आपको कि लेबर में शटरिंग कारपेंटर प्लस उसका हेल्पर, सरिया वाला को बोलते हैं फिटर, उसका हेल्पर, और जरूरत पड़ेगा तो सिंपल लेबर। अगर मेजरमेंट का काम है तो लोगों को भी मेजरमेंट में देंगे। ये पेटी कंट्रैक्टर बोलते हैं, छोटा ठेकेदार, लेकिन इसको कहाँ से पेमेंट देंगे।
इसके साथ आपको इस चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा, कंक्रीटिंग वन और टू टाइम प्रैक्टिस है। जब कंक्रीटिंग का काम स्टार्ट होगा आपके साइड पर, पीसीसी आरसीसी कुछ भी होगा, तो उस समय मेसन होता है और उसका एक या दो हेल्पर होता है। तो मोस्टली साइट पर कंक्रीटिंग भी मेजरमेंट में होता है। तो आपको कोशिश करना है कि जो कंक्रीटिंग हमारा हो रहा है मेजरमेंट में, उससे ये दो मेसन का मेसन या दो हेल्पर का खर्चा निकले। सेम वे आपका आप साइट पर सपोज करो कि आज आपने एक कारपेंटर लगाया और उसके साथ लगाया दो हेल्पर, ठीक है। एक कारपेंटर और दो हेल्पर मिलकर नॉर्मली 8 घंटा में जो सिंपल काम होता है, तो 8 घंटा में वो कितना शटरिंग करेगा? देखिए, जमीन के नीचे काम है उसका अलग होता है कितना कर पाएगा, कॉलम में है उसका कितना है, जो ऊपर में रूफ है स्लैब है हाइट लगा उसका कितना है। जनरली सपोज करो कि मान के, अब देखो रिवर्स में सोचो, एक कारपेंटर सपोज करो कि 700 रुपये लगता है, उसके साथ जो हेल्पर रहेगा 500 से कम नहीं लगा, तो दो हेल्पर है तो हो गया 1000, दोनों को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 1700, ठीक है। अब ये 1700 जो है तो आपको इसी को देना पड़ेगा, तो आप कितना शटरिंग करवाएंगे कि इसको देने के बाद आपका जो पैसा बचेगा, जब क्लाइंट से आप शटरिंग का क्वांटिटी क्लेम करेंगे तो जो पैसा बचेगा उसमें आपका कंपनी जो प्रॉफिट बुक किए हुए 10% या 15% या 20%, वो 20% आपके हाथ में रहे। अगर आप 1700 के बदला में मान लीजिए कि इसको टारगेट दिया कि नहीं, आप कैलकुलेट करके 4 स्क्वायर मीटर आपको शटरिंग करना है, तब आप ही टारगेट को पहुंचेंगे। ये जो 4 स्क्वायर मीटर के बदला में 3 स्क्वायर मीटर किया, तब तो नहीं होगा। फिर अगले दिन आएगा 1 मीटर के लिए, 1 मीटर स्क्वायर के लिए, तो हो नहीं पाएगा। इसके लिए जो है सो लेट आवर ड्यूटी भी करना पड़ सकता है, आपको टीम बनाना पड़ेगा। जब लगे कि नहीं ऐसे नहीं होने वाला है तो अपना इंचार्ज से बात कीजिए और जो ड्यूटी आवर है या तो उसको, जैसे जनरली 8 to 8 रहता है, तो जनरली 8 to 8 रहता है तो ड्यूटी आवर को एक्सटेंड कर दीजिए। इमरजेंसी के नॉर्मल चल रहा है ठीक है, लेकिन गड़बड़ हो गया तो 8 AM to 8 PM अगर गड़बड़ी का चांसेस है तो ड्यूटी आवर को एक्सटेंड कर दीजिए और उसको 8 to 10 या 11 कर दीजिए, या डे एंड नाइट सेपरेट टीम बनाइए इसका। इसमें क्या है कि जो आपके पास सुपरवाइजर रहेगा, इंचार्ज से बात कीजिए, सुपरवाइजर या फोरमैन को रात में बुलाइए, और एक और इंजीनियर रखिए जो 5 साल का एक्सपीरियंस का है, एक इंजीनियर रात को ही बुला लीजिए जब तक कि ये इमरजेंसी काम ख़त्म नहीं हो जाता है। और अगर याद रखिए, अगर बड़ा साइट है तो डेली इमरजेंसी रहता है, ऑलरेडी ये सिस्टम डेवलप हो जाता है। नाइट ड्यूटी और डे ड्यूटी, डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, डे शिफ्ट, तो आपका टारगेट अचीव हो पाएगा, नहीं तो होगा नहीं। आप लेबर को पेमेंट ही नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली ये स्कोप से आपने ये देखा कि स्कोप से हम लोग क्या करते हैं। स्कोप अगर हमारे पास आ गया
तो क्या करते हैं स्कोप से, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स डिप्लॉयमेंट, या आजकल इसको बोलते हैं रिसोर्स लोडिंग। रिसोर्स में इसमें सभी चीज़ हो गया है, इसमें लेबर और इक्विपमेंट दोनों चीज़ हो गया है। लेबर इक्विपमेंट और मटेरियल, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ इसमें आ गया है। तो अभी क्या है कि लेबर और इक्विपमेंट के बारे में पढ़ लिया हम, अब ये मटेरियल को क्या करना है, स्कोप से मटेरियल का क्या संबंध है। तो जब स्कोप आ गया आपके पास, तो ये सब काम जो हो रहा है हर काम में मटेरियल है, या तो नहीं है इक्विपमेंट से काम चल जाएगा, पीसीसी में आपको मटेरियल लगेगा, आरसीसी में मटेरियल लगेगा, शटरिंग में लगेगा, सरिया में लगेगा। अब देखिए पीसीसी है, पीसीसी आप करने वाले हैं तो पीसीसी में आपको क्या लगेगा, 20 mm नॉर्मली, और भी अलग अलग टाइप का होता है, 20 mm, 10 mm और सैंड, ये एग्रीगेट है और सैंड है, पीसीसी प्लस आरसीसी में लगेगा। शटरिंग में क्या लगेगा, शटरिंग में आपको लगेगा प्लाईवुड, नेल, बैटन, मिनिमम इतना चीज लगेगा, प्लस शटरिंग ऑयल भी मंगाना पड़ेगा, शटरिंग ऑयल। रिइंफोर्समेंट में क्या लगेगा, रिइंफोर्समेंट में आपको TMT बार है, उसको बांधने के लिए बाइंडिंग वायर आता है, फिर उसको वायर को बांधने के लिए हुक आता है, ये सब मटेरियल। कहने का मतलब ये सब मटेरियल आपको लगने वाला है, तो क्या करेंगे, मटेरियल लगने वाला है तो आपको इंडेंट देना है। कैसे देते हैं ये सभी चीज़ आपको हम डेप्थ में बताएंगे। इंडेंट देना है, इंडेंट किसको देंगे, इंडेंट का फॉर्म होगा, वो फॉर्म भर के आप प्रोजेक्ट मैनेजर से उस पर साइन कराएंगे, और सिस्टम रहता है या तो आप अपने प्लानिंग को देंगे, प्लानिंग वाला चेक कर लेगा, और आप डायरेक्ट स्टोर में जमा कर देंगे। ये आपको थोड़ा सा एडवांस में करना पड़ेगा। अब ये नहीं कि एक्सकैवेशन हो गया पीसीसी करने के लिए मटेरियल ही नहीं है तो फायदा नहीं है, इसीलिए प्लानिंग थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, नहीं तो चांसेस ये रहता है कि मिसमैनेज हो जाएगा। तो इस ढंग से हम लोग आज तक है कि स्कोप को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। तो ये दो नंबर चैप्टर जो है बेसिक है प्लानिंग के अंदर में, स्कोप बेसिकली आप देख लिया कि इसका मूवमेंट कैसा होता है, क्या इसको करना है क्या नहीं करना है। तो नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, देखिए चैप्टर का नाम हम आपको लिख देते हैं, नेक्स्ट थर्ड लॉट जो बनाएंगे हम, थर्ड सेक्शन बेसिक के अंदर में ही रहेगा, प्लानिंग का ही होगा, लेकिन स्कोप के बदले यहाँ पर रहेगा एस्टिमेशन। अब इसमें एक चीज़ और है, अभी आपको बताया कोड के बारे में, IS 456 सब जानता है, IS 800 ये भी कॉलेज के टाइम में रखा है। अब आप होमवर्क कीजिए और बताइए एस्टिमेट करने के लिए कोई कोड है क्या, IS कोड कोई अवेलेबल है क्या एस्टिमेट करने के लिए। तो नेक्स्ट में हम लोग ये डिस्कस करेंगे, अभी रात में करीब करीब 10:30 बज रहा है, और आपको हम ये वीडियो बना के कल या परसों शेयर करेंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक
स्पीड नहीं आया है सब्सक्रिप्शन में, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी जो सबसे ज़रूरी होते जा रहा है आप लोग कमेंट भी कीजिए, कुछ और एडिशनल समझना है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अभी मेरे पास कई जगह से फ़ोन आने लगा है, खास करके रसिया से, रसिया किर्गिस्तान वगैरह से आता है फोन, तो कमेंट्स भी करना है। मुझे डायरेक्ट वहाँ से व्हाट्सएप कॉल आ रहा है, व्हाट्सएप कॉल किस पर आप भी कर सकता है 8942-88-9941। तो ये ज़रूरी है, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ताकि हम लाइव क्लास ले लें, ऐसे मोटिवेशन भी मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी पे ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, ये एक समस्या है, इसको कैसे शॉर्ट तो हो ही नहीं सकता है। 4 साल का मेरा जो 25 साल का जो एक्सपीरियंस है उसको मैं टारगेट बना के रखा हूँ कि कुछ दिन में, 3 महीना 4 महीना में ख़त्म कर दूँ, तो कैसे हो पाएगा, बहुत मुश्किल है। फिर भी जो की पॉइंट है आप लोग को बताएंगे, ये हम मान के चल रहे हैं कि आप 0 to 5 years एक्सपीरियंस जो है क्रॉस कर गए हैं, और अभी जो है सो आप 5 to 10 years में मिड लेवल में है। यहाँ से यहाँ का जो जर्नी होता है 5 to 10, देखिए 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है। तो यहाँ से नीचे प्योरली साइट का, यहाँ से ऊपर खास करके जब यहाँ पहुँचते हैं तो साइट आप रख लो 70% साइट और 30% एक मिनट, जब यहाँ से यहाँ जो ट्रांसफ़र हो रहा है आपका, तो आप ये रखो कि 70% साइट और 30% डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग। और जब यहाँ से यहाँ मूव करते हो तो इसका रिवर्स कर दो आप, 30% साइट और 70% प्लानिंग। जब यहाँ पहुँचोगे उसके बाद आपका जो लेवल होगा सो कंपनी पर डिपेंड करता है, आपका लेवल पीएम बनने के लायक हो जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर। आप डिपेंड करता है किस कंपनी में काम कर रहे हो, छोटा कंपनी है तो आप तुरंत पीएम बन जाओगे, और नहीं बड़ा कंपनी है तो हो सकता है डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर बना कर रखे या कुछ देखे कि ये सब परफॉर्म कर रहा है कि नहीं, तो डिपेंड करता है। लेकिन ये देखियो जैसे यहाँ पर ट्रांजिशन है 5 years पर, वैसे ही एक ट्रांजिशन यहाँ लग रहा है आपका। L&T वगैरह में ये दोनों जगह पर इंटरव्यू होता है, आपका रिकमेंडेशन जाता है तो यहाँ भी इंटरव्यू करता है सेक्टर में, इस पोजीशन में, और इस पोजीशन यहाँ भी जो है तो इंटरव्यू करता है। और दूसरे कंपनी में इंटरव्यू तो नहीं होता है, लेकिन बहुत सारा चीज़ देखता है कि आप प्रॉफिट दे सकते हो कि नहीं, आपका क्या स्ट्रेंथ है। तो इस वीडियो को आप लोग एकदम शेयर कीजिए, और ये डिफ़िकल्ट होते जा रहा है तो आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा, पढ़ाई थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, जो हम बता रहे हैं साइट पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा सक्सेस रेट क्या है। और कोई डिफ़िकल्टी होता है तो आप फ़ोन कीजिए, प्लीज़ फ़ोन कीजिए 8942-88-9941, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। बहुत मुझे खुशी हुआ जब फॉरेन कंट्री से फ़ोन आया, अपना इंडियन स्टूडेंट ही था, कुछ विशेष जानकारी चाहता था सब्जेक्ट मैटर पर, अभी हम उसको कवर नहीं कर रहे हैं फिर भी उसको बताया कैसे क्या करना है, तो बहुत खुश हुआ, पूरा ग्रुप में था लोग। तो आज के लिए इतना है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा प्लानिंग का एस्टिमेशन पर होगा इस पर। तो थैंक यू।
मेनी मेनी थैंक्स, गुड नाइट।